शिमला नगर निगम के भरियाल कूड़ा संयंत्र के कचरे में सुलग रही आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। पिछले लगभग एक माह से ये कूड़ा संयंत्र अंदर ही अंदर सुलग रहा है। पिछले लगभग एक माह से कूड़ा संयंत्र की आग के कारण लोगों का जीना भी दूभर हो गया है। शिमला शहर का सारा कूड़ा इसी संयंत्र को जाता है। रोज के एकत्रित कूड़े से यहाँ कचरे के पहाड़ भी बन गए हैं। इस कचरे में गहराई में आग सुलग रही है, जिससे लगातार जहरीला धुआं उठ रहा है। नगर निगम शिमला के भरियाल कूड़ा संयंत्र के कचरे में सुलग रही आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। पिछले लगभग एक माह से ये कूड़े संयंत्र अंदर से ही सुलग रहा है। शिमला शहर का सारा कूड़ा इसी संयंत्र में जाता है। रोज के एकत्रित कूड़े से यहाँ कचरे का पहाड़ भी बन गया है। इस कचरे में गहराई से आग सुलग रही है, जिससे लगातार जहरीले धुएं का गुबार भी निकल रहा है। ये धुआं आसपास के गांवों में फैला हुआ है। लोगों का यहाँ जीना मुश्किल हो गया है। नगर निगम शिमला की मेयर कुसुम सदरेटा ने बताया कि निगम ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन अभी भी नाकामी हाथ लग रही है। यहां तक कि नगर निगम शिमला ने कूड़ा संयंत्र में लगी आग को बुझाने के लिए चंडीगढ़ से पॉकलेन भी मंगवाई है। बावजूद इसके ना तो आग बुझी, ना ही जहरीली धुआं थमने का नाम ले रहा है। मेयर ने आधुनिक मशीनें लगाकर आग बुझाने के निर्देश दिए हैं, ताकि शहर को जहरीले धुएं से निजात दिलवाई जा सके। भरियाल कूड़ा संयंत्र में लगी आग से शहर के वातावरण पर भी विपरीत असर पड़ा है। कूड़ा संयंत्र में प्लास्टिक जलने से जहरीली गैस निकल रही है। आपको बता दें कि भरियाल कूड़ा संयंत्र में इस तरह की आगजनी की ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी इस कूड़ा संयंत्र में आग लग चुकी है, जो कि आसपास की फिजाओं को दूषित कर चुकी है। लापरवाही व आगजनी को लेकर नगर निगम प्रशासन की ओर से कूड़ा संयंत्र के संचालक के ऊपर FIR भी दर्ज करवाई गई थी। कूड़ा संयंत्र में लगने वाली इस आग की वजह से पर्यावरण के साथ साथ नगर निगम की संपत्ति को भी लाखों का नुकसान उठाना पड़ता है। हैरानी की बात तो ये है कि भरियाल कूड़ा संयंत्र से निजी कंपनी एलिफेंट एनर्जी ने प्रोसेसिंग यूनिट से रोजाना करीब 1.5 से 2 मेगावाट बिजली पैदा करने का दावा किया था। इस पावर प्लांट पर करीब 40 करोड़ रुपए भी खर्च किए गए थे। ये दावा किया गया था कि इस संयंत्र से बिजली बनाने के लिए औसतन 70 मीट्रिक टन कूड़े की जरूरत होगी। प्लांट में 100 मीट्रिक टन कूड़े तक से बिजली बनाई जा सकेगी। राजधानी शिमला की बात करें तो यहाँ रोजाना 60 से 80 टन का कूड़ा इकट्ठा होता है, लेकिन अफसोस आज तक इस प्लांट में ना तो बिजली का उत्पादन हुआ है, ना ही कचरे का कोई स्थायी समाधान मिल पाया है। अब हालत है कि संयंत्र का जहरीला धुआं शिमला की ठंडी फिजाओं में जहर घोल रहा है।